विवादित बयानबाजी के लिए चर्चित मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की बरघाट विधानसभा से कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया का एक और विवादित बयान का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है। वीडियो में कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि ये देश हमारा है, इसे हिंदू राज नहीं बनने देंगे। यह विवादित बयान बुधवार को मुख्यालय में विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित जनाक्रोश रैली का है। वीरांगना रानी दुर्गावती प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आदिवासी समुदाय को संबोधित किया। गौरतलब है कि जनाक्रोश रैली का नेतृत्व कर रहे बरघाट से कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह ककोडिया ने गांधी भवन चौक पर वीरांगना रानी दुर्गावती प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उपस्थित आदिवासी समुदाय को संबोधित किया था। इस बयान से कांग्रेस के एजेंडे को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवाई थी, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठाई थी। इस कथा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद थे। बुधवारी बाजार, दुर्गा चौक समेत अन्य स्थानों पर घूमकर जबरन दुकानें बंद कराई थी। बता दें कि बुधवार को विश्व आदिवासी दिवस पर शहर में निकाली गई जनाक्रोश रैली में शामिल कुछ लोगों ने बुधवारी बाजार, दुर्गा चौक समेत अन्य स्थानों पर घूमकर जबरन दुकानें बंद कराई थी। साथ ही कुछ दुकानों में तोड़फोड़ और मारपीट भी की। इससे व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। इसकी शिकायत बुधवार को ही व्यापारियों ने बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंचकर की। साथ ही बरघाट विधायक के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की थी। इसके पूर्व हनुमान जी को भी आदिवासी बता चुके अभी। इसके पूर्व वे हनुमान जी को भी आदिवासी बता चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में भी कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह का विवादित बयान का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ था। इसमें विधायक प्रदेश के मुख्यमंत्री के विरुद्ध बयान देते नजर आए थे। इस वीडियो में विधायक ये कहते नजर आए थे कि अगर आप मर्द के बच्चे हो तो कलेक्टर एसपी को सस्पेंड करो। दिल्ली में बैठी हूँ तो दिल्ली की सरकार में केंद्र में जो बैठी हूँ और वो ताकतें जो मध्य प्रदेश में बैठी हुई है और जो शोषण कर रही है हमारे आदिवासी समाज का, ऐसी ताकतों को, ऐसी विचारधारा को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आरएसएस के लोग इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं आह्वान करता हूँ इनको जड़ों से निकल। आज आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ये आज कल्पना करो, आज आप लोग संकल्प करो ऐसे लोगों को, ऐसी विचारधारा के लोगों को जो इस देश को लूट रहे हैं, जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, जो हमारी माता बहनों की इज्जत लूट रहे हैं, ये इन लोगों को यहाँ से देश से निकालना है और इनका पूरी तरीके से सर्वनाश करना है। इस बात का एक लोग आवाज, सभी लोग जोर से आवाज देंगे। मैं कहूंगा हम सब आप कहेंगे एक ही, हम आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आदिवासी समाज जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद, बिरसा मुंडा जिंदाबाद, डंडा भील जिंदाबाद। और वो संपन्न कैसे, जहां जहां आदिवासी समाज रहता है वहां पे जंगल सुरक्षित है, जहां जहां आदिवासी समाज रहता है वहां खदान सुरक्षित है, जहां जहां आदिवासी समाज रहता है वहां पे पानी है। तो आदिवासी समाज ने तो जंगल को सुरक्षित रखा है, आदिवासी समाज ने जल को सुरक्षित रखा है, आदिवासी समाज ने जीवन को सुरक्षित रखा है। और मैं चूंकि बरघाट विधानसभा का विधायक हूँ, उसमें कुरेन भी आता है, तो सम्मानित साथियों में बताना चाहता हूँ, मैं अभी 18-19 को मैं चुनाव हुआ उसमें यहाँ के लोगों ने सब लोगों ने बड़े प्यार से मुझे विधायक बनाया। तब से लगातार विधानसभा में हमारे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मैं लड़ रहा हूँ। हमारे क्षेत्र से, पूरे क्षेत्र से मध्य प्रदेश शासन को सबसे ज्यादा राजस्व जाता है। मध्य प्रदेश के साथ के राजस्व खजाने में पूरे क्षेत्र से सबसे ज्यादा पैसा जमा होता है। लेकिन आज पूरे क्षेत्र क्या है, पूरे मूलभूत सुविधाओं के लिए आज जूझ रहा है।
पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। दूर दराज से हमारी बेटियां, हमारी माताएं पानी लेके आती है। हम लड़ रहे हैं पीने के पानी के लिए, लड़ रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को बैठने के लिए स्कूल नहीं है, जर्जर व्यवस्था। इलाज की सुविधा नहीं है, अगर कोई बीमार हो गया, कोई गरीब बीमार हो गया तो मौत के सिवा कुछ नहीं है। ये क्या हो रहा है? सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, अंधेरे में सांप बिच्छू खा काट रहे हैं। कितनों की मौतें हो गई, कितनों के घरों में शेर घुस गया इस अंधेरे में। इस अंधेरे में किस तरीके से हमारा कोई भाव जूझ रहा है। तो ये जो आज का जो आंदोलन है, ये जो आज हमारा जन समाज जो यहाँ पे आया, ये प्रतीक है इस बात का, ये प्रतीक है इस बात का कि हम गला लगाना जानते हैं, हम प्यार देना जानते हैं। लेकिन अगर कोई प्यार को अपमान समझे, अगर कोई हम किसी को गले लगा रहे हैं और वो अगर हमारी पीठ में वार करता है, तो अब हमारा ये समाज जाग चुका है, हमारे युवा जाग चुके हैं। अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा देश है, ये हमारा देश है, इसको हिंदू राज नहीं बनने देंगे, इसको हिंदू राज नहीं बनने देंगे। अगर हमने ये इतिहास गवाह है जब राम अपनी पत्नी को लेकर जंगल में गए थे, जब माता जानकी का हरण हुआ था, तब माता जानकी को किसने बचाया था? बानरों ने बचाया था, वो आदिवासी उन लोगों ने बचाया। हर चीज में हम लोगों ने बचाया, हम लोगों ने हर समाज को इज्जत दी, हमने इज्जत दी हर समाज को। ये मैं बताना चाहता हूँ, हम हर धर्म की पूजा करते हैं, हर धर्म को चाहते हैं। और राम जो है, राम जब पूछा गया हनुमान से कि बात तो राम की करते हो लेकिन तुम्हारे शरीर में राम कहाँ है, तब सीना फाड़ के उस आदिवासी ने बताया कि राम हमारे सीने में है। तो राम जो है संस्कार जो है, राम जो है मर्यादा और संस्कार हमारे सीने में है, हमारे सीने में, आदिवासी समाज के सीने में। धर्म हमारे सीने में है, प्रेम हमारे सीने में है, भाईचारा हमारे सीने में है। हम दिखाव की काम नहीं करते, हम दिखावा नहीं करते। जो भी करते हैं दिल से करते हैं, अपनी आत्मा से करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, हर समाज का, हर धर्म का, क्योंकि उसकी उत्पत्ति हर संस्कार की उत्पत्ति आदिवासी समाज से हुई है। हर धर्म की उत्पत्ति, हर संस्कार की उत्पत्ति आदिवासी समाज से हुई है। इसलिए ये आदिवासी समाज हर किसी को प्यार करता है। एक में बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी जो मुझे सुनने मिला कि कुछ लोगों ने दुकानें बंद की है, सम्मान्य साथियों, चूंकि उनका आक्रोश था, उनकी माता बहनों के साथ में शोषण किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, उनके सर में पेशाब किया जा रहा है, इस देश को बनाने वालों के सर में पेशाब किया जाए, उनकी माता बहनों के साथ बलात्कार किया जाए, तो हमारे नौजवानों ने बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उन नौजवानों के तरफ से माफी चाहता हूँ, अगर उनसे गलती हो गई, जोश में कोई गलती हो गई, हमारा इरादा बंद करने का नहीं है। इस समाज ने, आदिवासी समाज ने जीवन दिया है, इस आदिवासी समाज ने भारत को बनाया है, इस आदिवासी समाज ने विश्व को बनाया है, तो हम कभी भारत बंद होने नहीं देंगे, हम तो जीवन देने वाले लोग हैं, हम कभी बंद नहीं होने देंगे, इस देश को बंद नहीं होने देंगे, इस देश में कभी अंधियारा नहीं होने देंगे। हम तो खुद जलते हैं, हम जलने वाले लोग हैं, हम जल के दूसरों को रोशनी दिखाने वाले लोग हैं।
तो कभी कभी हम इस तरीके से बंद का हम लोग आह्वान नहीं करते और बंद का हम लोग कभी समर्थन नहीं करते। तो मैं तमाम सब लोगों से क्योंकि हमारा समाज अनुशासन प्रिय समाज है, आपने देखा यह हजारों की तादाद में आज सिवनी में आदिवासी समाज जुड़ा है। कहीं पे भी किसी के साथ में कोई बदतमीजी नहीं की, किसी माता बहने के साथ में कोई बदतमीजी नहीं की। ये समाज की हमारा संस्कार है, ये संस्कार है हमारे समाज का। इसीलिए आज विश्व आदिवासी दिवस है, इसीलिए आज विश्व के लोगों ने आज आदिवासी दिवस मनाया है। तो सम्मान्य साथियों, मैं आप सभी लोगों का, मैं तमाम नौजवानों को बड़े धैर्य के साथ में, बड़े संयम के साथ में, लेकिन जोश कम नहीं होना चाहिए, हमारा गुस्सा कम नहीं होना चाहिए, लेकिन गुस्सा गुस्सा सकारात्मक हो, गुस्सा इस देश को बनाने में होना चाहिए, गुस्सा इस देश में भाईचारा के लिए होना चाहिए,